आपका, बाजार को यहां से किस तरह से देख रहे हैं आप? बाजार में देखिए जो गिरावट आई है वो शैलो प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं, शैलो करेक्शन हो कह सकते हैं। आप बुल मार्केट में देखें तो फास्ट एंड फ्यूरियस करेक्शन आते रहते हैं, पर वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं और बहुत शैलो होते हैं। जितना बाजार एक कदम पीछे लेता है, दो तीन कदम आगे बढ़ाता है एक बुल मार्केट में, तो ये एक बुल मार्केट की खासियत है। हालांकि आज आपने देखा कि बैंकिंग में करेक्शन देखने को मिला, पर आईटी ने अच्छा लीड पकड़ा, तो एक ये रिले रेस चलती है बुल मार्केट में। एक सेक्टर से थोड़ी सी नरमी आती है तो दूसरा सेक्टर काफी तेज हो जाता है, तो यही सेक्टर रोटेशन आपको देखने को मिल रहा है, ये कायम रहेगा। चाहे आप रिलायंस की साइड से बोले या HDFC की साइड से बोले या आईटी जो बहुत टाइम से ठंडा पड़ा था, आज उसकी लीडरशिप लौटती दिख रही है। और ये एक छोटा चेंज नहीं है, ये बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि आपने देखा कल इन्फ्लेशन लेस देन एक्सपेक्टेड आया, तो बाजार अभी ये डिस्काउंट कर रहा है कि आगे जाते हुए फेड इतना हॉकिश नहीं होगा, एक रेट हाइक कर सकता है शायद, पर उससे ज्यादा रेट हाइक नहीं होगी और पॉज हो जाएगा रेट हाइक। तो उसमें सबसे बड़े बेनिफिशियरी आपके टेक्नोलॉजी स्टॉक्स रहेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप रहेंगे, इमर्जिंग मार्केट के लिए जैसे इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल बुल मार्केट कायम है और जो भी डिप है उसमें खरीदने का मौका ढूंढना चाहिए, अच्छे स्टॉक्स खरीदे, क्योंकि और भी ऊपर 10-20% की तेजी आसानी से दिखती है स्टॉक स्पेसिफिक।